अब हमारे पास है हाउ टू यूज स्टॉप वॉच, यानी स्टॉप वॉच जो है वो कैसे काम करती है और कैसे टाइम इंटरवल्स को इवेंट के मेजर करती है, तो हम वो देख लेते हैं. अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नोब दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर द वॉच. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है ना हमारे पास, इसकी मदद से हम इसको देखेंगे. मतलब इसको अगर हम दबाएंगे या इसको ये ऊपर से स्प्रिंग्स मतलब बने हुए हैं तो हम इसको घुमाएंगे तो ये ऑन होगी. ठीक है, मैंने कभी मैकेनिकल वॉच यूज़ करके मतलब स्टॉप वॉच देखी नहीं है. हम डिजिटल वॉच मोस्टली लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, तो उसको तो मतलब यहाँ से सेट किया जाता है और ये बटन जो होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए स्टार्ट स्टॉप. ठीक है, इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड रीसेट बटन और रीसेट बटन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. एंड द वॉच स्टार्ट व्हेन द नोब इज़ प्रेस्ड वंस. ठीक है, वंस जब एक बार हम उसको दबा देंगे तो वो क्या होगा, स्टॉप वॉच जो है वो टाइम इंटरवल को कैलकुलेट काउंट करना शुरू कर देगी. व्हेन प्रेस सेकंड टाइम, जब हम उसको दूसरी दफा दबाएंगे, इट स्टॉप द वॉच व्हाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग द नीडल बैक टू जीरो पोजीशन. पहली दफा हम दबाएंगे तो वो स्टॉप वॉच जो है वो टाइम इंटरवल को काउंट करना शुरू कर देंगी, और जब हम दूसरी दफा दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास स्टॉप वॉच रुक जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इतने टाइम ने वन ऑसिलेशन हुई है या जो भी इवेंट हम जिसका भी टाइम इंटरवल नोट करना चाह रहे हैं तो हम वो देख लेंगे. लेकिन जब हम थर्ड टाइम इसको मतलब स्प्रिंग को मैकेनिकल वॉच के नोब को प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास नीडल जो है बैक टू जीरो पोजीशन, वो वापस जीरो पर जाएगी और रीसेट हो जाएगी. ठीक है, मतलब एक ही बटन होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल वॉच में. पहली दफ़ा उस बटन को दबाएंगे तो वो स्टार्ट होगी, दूसरी दफ़ा स्टॉप हो जाएगी, और थर्ड टाइम वो रीसेट बटन हो जाएगी, रीसेट कर देगी. ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन. एक ही बटन होता है इसमें और उससे इसको इस्तेमाल किया जाता है. अ डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्सड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस. ठीक है, ये टाइम को मतलब कैलकुलेट करना शुरू कर दी जाती है जब स्टार्ट और स्टॉप का बटन प्रेस किया जाता है. एज सून अ स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन, जब उसको दोबारा प्रेस किया जाता है, इट स्टॉप वो दोबारा मतलब वो रुक जाती है. एंड इंडिकेट टाइम इंटरवल रिकॉर्ड बाई इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट. मतलब एक इवेंट मतलब जैसे एक ऑसिलेशन है, वो जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ जाके वो ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, वहाँ से वहाँ तक का उसे टाइम इंटरवल जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया बाय बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप. लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ऑसिलेट होना था इस बॉल ने, तो यहाँ पे पहले थी, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ आई, तो इस इंटरवल के दरमियान जितना भी उसने टाइम था उसको रिकॉर्ड किया. अ रीसेट बटन रिस्टोर इट्स इनिशियल जीरो सेटिंग, फिर रिसेट किया वो दोबारा क्या जाएगा, ज़ीरो पर आ जाएगी. यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज स्टॉप वॉच एंड डिफरेंट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप यूज ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, एंड हाउ टू यूज हाउ टू स्टार्ट एंड स्टॉप एंड रीसेट द मैकेनिकल स्टॉप वॉच, हाउ टू स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट द डिजिटल वॉच. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप इसमें मतलब आप इसको देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे बन रहे हैं.